ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो चीज तुम्हारा एक्सक्लूड हो रहा है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में इन टर्म्स ऑफ डोमेन, तो वो एक तरीके से बेस को वन बना रहा था, उस वजह से एक्सक्लूड हो रहा था। ठीक है, खैर ये तो रफ पार्ट है। तो ये जो हमारा फाइनल डोमेन आ गया, सो हम लोग को जो दो केसेस में ब्रेक करना होगा, देखो माइनस वन जीरो, तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। तो केस वन इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड केस टू इज इफ एक्स इज बिटवीन माइनस वन से जीरो। तो उसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लिखना चाहिए हम लोग को। क्या क्वेश्चन लिखना चाहिए? लॉग ऑफ 2x प्लस 6 टू द बेस x प्लस 1 इज लेस देन 1, क्या हो रहा है, इज लेस देन 1। अच्छा, सेम क्वेश्चन सेम इनइक्वालिटी यहां पे भी लिखना चाहिए। अब देखो x जीरो से बड़ा है, मतलब ये वाली चीज जीरो से बड़ी है, तो ओवरऑल जो बेस होता वो क्या होता, वन से बड़ा होता। तो इसको मैं इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड भेज देता और इनइक्वालिटी का साइन क्या होता, सेम रहा होता। ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट एक्स लेस देन माइनस फाइव। ठीक है, अब हम लोग को केस का इंटरवल और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेना चाहिए। माइनस वन टू जीरो कुछ नहीं आएगा नहीं, बेटा? नहीं। हाँ अच्छा, यहां से तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो ये पार्शियल आंसर वन हो गया एक तरीके से, पार्शियल आंसर वन। ठीक है, अच्छा इसको जब मैं इधर भेजता ना, तो पता है जैसे ये वाली जो इनइक्वालिटी आई है वहां पे भी सेम आती, बस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करके आ जाता। सर ऐसा हर बार होगा ना? ऐसा हर बार, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन तो सेम रहना है, बस अंतर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है साइन चेंज। तो जैसे x ग्रेटर देन माइनस फाइव आ गया, अच्छा x ग्रेटर देन माइनस फाइव, तो इसकी बात और इसकी बात दोनों की बात माननी है, माइनस फाइव माइनस वन जीरो। एक बंदा बोल रहा है माइनस वन से जीरो, एक बंदा बोल रहा है माइनस फाइव से बड़ा, तो दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट क्या हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, सो हमारा x बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो, ये पार्शियल आंसर टू आ जाता। फाइनल आंसर क्या होता, दोनों का यूनियन माइनस वन कॉमा जीरो, x बिलोंग्स टू माइनस वन कॉमा x बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो तक, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अच्छा थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, चलो बस सर इधर। सर एकदम थोड़ा सा नीचे करो, एकदम थोड़ा सा। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। ओके, सो एक और क्वेश्चन तुम लोग करो। अब ये क्वेश्चन को सबको सही करना है। Mm-hmm.
सर ऊपर वाले का आपने फर्स्ट केस क्या लिया था? जीरो से इनफिनिटी। हाँ, जीरो से इनफिनिटी। चाहे मैं x ग्रेटर देन जीरो लिखूं, चाहे मैं x बिलोंगिंग टू जीरो से इनफिनिटी लिखूं, बात सेम है। ओके सर। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करो ना, इधर हो गया सर। सर बोलो आंसर। चैट बॉक्स में लिख दो आंसर। सर बड़ा है। अच्छा बड़ा आ रहा है क्या? क्या बोलो? 0 to 1 union 6 by 5 to 2 union 3 to infinity। ये आंसर आया एक बच्चे का। और किसी का कोई आंसर? चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? डोमेन निकाला। तो डोमेन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड base should be greater than 0 and base should not be equal to 1। Achha, ye quadratic ke roots kya hai? 2 and 3 hai। Achha, quadratic greater than 0 matlab away from the roots, matlab minus infinity se 2 union 3 se infinity। Achha, ye greater than 0 matlab 0 se infinity, theek hai। Not equal to 1 ko hum log end mein एडजस्ट कर लेंगे अभी। तो 0, 2, 3। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 से छोटा या 3 से बड़ा होना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है? 0 से छोटा। सर 0 से बड़ा ना? 0 से बड़ा। सॉरी 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 0 से बड़ा।
ये क्या बोल रहा है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जो हमारा ओवरलैपिंग पार्ट आता, ओवरलैपिंग पार्ट ये आता और फिर ये आ जाता। सो आई विल से एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा एक्स को वन नहीं होना है और वन इसके बीच में कहीं आ रहा होता तो एक्सेप्ट वन। ठीक है, अब देखो किसी एक बच्चे ने पूछा था ना मेरे से कि सर अगर ऐसा टाइप का हो तब हम लोग कैसे लेंगे। हाँ सर। तो अब देखो पहले डोमेन को ध्यान से देखो, जीरो टू थ्री और वन जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो बाउंड्री एक्ट करेगा केसेस के लिए। मतलब डोमेन एक तो ये है तुम, ठीक है, तो देखो डोमेन जीरो से टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी है, तो जो येलो और ग्रीन वाला पार्ट है वो मिला के डोमेन बना रहा है। तो जो हमारे दो केसेस होंगे वो एक बार इस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड वाले होंगे और एक बार वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाले शेडेड पार्ट। तो केस वन क्या हो गया हमारा, केस वन x इज ग्रेटर देन वन, नहीं हम लोग को बस जीरो टू वन तो, नहीं पहले मैं ग्रीन वाला लूंगा, पहले मैं ग्रीन वाला लूंगा, राइट हैंड साइड वाला लूंगा बिटवीन वन एंड टू। हम लोग जो है इससे राइट हैंड साइड वाले जो जो डोमेन के पार्ट है उन सारों को लेंगे। तो वन से टू भी है और थ्री से इंफिनिटी भी है, क्योंकि थ्री से इंफिनिटी भी तो बेटा डोमेन का पार्ट है और वो इस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड ही है। और केस टू में क्या लेता, इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन। ये बात समझ में आई सबको कि yes. ये दोनों केसेस अपन ने yes. Yes, sir. तो जहां पे तुम ऐसे सोचोगे जहां पे बेस वन हो रहा हो ना जिस एक्स पे, उस एक्स पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, उस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड वाला जो है जो डोमेन का पार्ट है वो केस वन बन जाएगा, उस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है जो डोमेन का पार्ट है वो केस टू बन जाएगा। सर ये राइट साइड वाला कंपलसरीली केस वन होगा ये जरूरी नहीं है ऐसा नहीं है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि एक को केस वन और एक को केस टू बोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब सेम काम करना है जो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है वो लिखना है। तो log of x square minus 5x plus 6 to the base x is less than 2x. अब देखो बेस हमारा वन से तो बड़ा ही है, तुम अगर इसको ध्यान दो तो तुम वन से तो बड़े ही हो, बेस हमारा वन से बड़ा है। तो जब मैं log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता, सेम x square कैंसिल हो जाता, तो यहाँ से x greater than 6/5 आ गया। ठीक है ना, अपने को इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा 6/5 बोले तो 1.2 टाइप का, तो पहले डोमेन की बात लिख लेते हैं। डोमेन कहता है मतलब केस वन वाला ये वाला पार्ट कि मेरे को वन से टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी होना, और ये बंदा क्या कहता है कि मेरे को 6/5 से बड़ा होना है। सो जो तुम्हारा ओवरलैपिंग पार्ट आता वो क्या आता, ये आता और ये आता। सो हमारा जो सर, हाँ सर, हम 6/5 को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, एक मिनट बता रहा हूँ। 6/5 को इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमारा x ग्रेटर देन 6/5 आया है। अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू होता, हाँ सर, हाँ हाँ सर, तब हम लोग इंक्लूड करते हैं। मैंने वो देखा नहीं सर, थैंक यू सर। सो ये जो है ये है हमारा पार्शियल आंसर वन।
ठीक है. नाउ द सेम थिंग वी हैव टू फॉलो फॉर व्हाट केस टू. तो केस टू में अरे यार ठीक है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन टू है. अब इस बार बेस वन से छोटा है तो बस सॉल्यूशन सेट यही आएगा, बस इनइक्वालिटी रिवर्स साइन अपोजिट हो जाएगा एक्स लेस देन सिक्स. अब हमको इसकी और इसकी दोनों की बात माननी है. देखो जीरो वन सिक्स बाय फाइव, तो एक कह रहा है मेरे को जीरो से वन के बीच में होना है, एक कह रहा है मेरे को सिक्स बाय फाइव से छोटा होना है. तुम्हारा ओवरलैपिंग पार्ट क्या बन रहा है? जीरो से वन. सो जो पार्शियल आंसर टू हो जाता वो क्या जाता? एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन, ये पार्शियल आंसर टू हो जाता. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होते? दोनों का यूनियन ले रहे होते. जो केसेस के पार्शियल आंसर्स होते हैं ना उनका यूनियन लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? फाइनल आंसर. सो अब मैं अगर लिखूं तो सबसे पहले सबसे छोटा ये वाला इंटरवल है, एक तरीके से देखो जीरो से वन. फिर उसके बाद ये वाला है यूनियन सिक्स बाय फाइव से टू. उसके बाद फिर ये वाला है यूनियन थ्री से इन्फिनिटी. यही हमारा आंसर है, मेन आंसर. सर एक बार डोमेन वाला पार्ट बताओ ना सर एक बार. डोमेन वाला पार्ट ये डोमेन वाला पार्ट बताना है कि डोमेन को मैंने ब्रेक किया और दो केसेस में ब्रेक किया, वो पार्ट बताना है. नहीं नहीं सर डोमेन वाला. सर डोमेन देखो डोमेन में क्या है, लॉग का आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू वन. अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स, मतलब ग्रेटर देन जीरो. तो माइनस इन्फिनिटी से टू, यूनियन थ्री से इन्फिनिटी. यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू वन. ओके सर. हाँ सर समझ में आ गया. ठीक है इन दोनों का इंटरसेक्शन. थैंक यू सर. ओके सो सारे बच्चों को समझ में आ गया ये? यस 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 सर. लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस ये कैसे सॉल्व करना है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया. एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में बस लिख दो कि ये समझ में आया. सर वो डोमेन को ब्रेक किया था और एक बार समझाओ. क्या बोल रहे हो? डोमेन को ब्रेक किया था ना सर. अच्छा अच्छा ओके. देखो पहले तो डोमेन लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है. जैसे मान लो मैं तुमको एक ऐसे रफ एग्जांपल लिखा हूं कि यहाँ पे कुछ है, कुछ पी एक्स है और यहाँ पे x माइनस थ्री है, ठीक है. और से तुम्हारा डोमेन जो है आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन वन से फोर या वन से फाइव यूनियन सेवन से इन्फिनिटी. मान लो ये तुम्हारा फाइनल डोमेन आ गया एक्सेप्ट फोर. अच्छा एक्सेप्ट फोर मैंने ये कैसे लिखा? क्योंकि यहाँ पे बेस को वन के बराबर नहीं होना चाहिए. Yes. मतलब x को 4 के बराबर नहीं होना चाहिए इसलिए एक्सेप्ट 4 लिखा. ये डोमेन आया. अब मेरे को केसेस लेना है तो देखो माइनस टू वन फाइव सेवन. तो अब मैं देखता कि मेरा बेस 1 कहाँ पे हो रहा होता. तो बेस x इज इक्वल टू 4 पे 1 हो रहा होता और 4 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होता.
उसे 4 पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, हमारा जो डोमेन था, डोमेन इफ यू सी, तो ये था, ये था और ये था, अग्री करोगे? अब जो दो केस होंगे, तो एक केस क्या होगा कि इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला डोमेन का पार्ट, तो जैसे केस वन मैं क्या लिखूंगा, 4 से 5 यूनियन 7 से इन्फिनिटी, और केस टू क्या लिखूंगा, इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड वाला डोमेन का पार्ट, मतलब -∞ से -2 यूनियन 1 से 4, तो ये केस टू होगा। सर मैं 3-4 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से बताओ ना। क्या बताना, तुमने ये मैं कुछ नया नहीं सीखा। मैंने ये फाइनल आंसर लिखाया, फिर उसके बाद किसी ने एक डाउट पूछा, किसी स्टूडेंट ने, कि सर मेरे को डोमेन को केसेस में ब्रेक करना है। सर अगर बाउंड्री लाइन बोलो सर, बाउंड्री लाइन अगर ए ब्रेक नहीं कर रहा है केसेस, तो अगर बाउंड्री लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है केसेस को, ओके, ये वर्टिकल लाइन केसेस को ब्रेक नहीं, डोमेन को ब्रेक नहीं कर रही है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ, लॉग ऑफ ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन। सर और एक क्वेश्चन दे रहे हो आप? नहीं नहीं, एक स्टूडेंट का कुछ डाउट था, एक मिनट रुको, इसको x माइनस 3 मत लिखो, इसको 2x-6। क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है हाँ। नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, इसको करो, इसको ट्राई करो सब लोग एक बार। सर केस एक ही लेंगे ना फिर? हाँ सर, एक ही केस आ रही। देखो ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से इसलिए डिफरेंट था क्योंकि अगर तुम डोमेन की बात करते तो इधर से 2x-6 ग्रेटर देन 0 आता, इधर से x-1 ग्रेटर देन 0 आता, और x-1 ≠ 1 आता, इधर से x > 3 आता, इधर से x > 1 आता, और इधर से x ≠ 2 आता। तो 1, 3, एक बंदा कह रहा है 1 से बड़ा, एक बंदा कह रहा है 3 से बड़ा। तो यहाँ पे जो है 3 से बड़ा हो जाता, 3 से इन्फिनिटी तक। डोमेन -5, ∞ है? नहीं, डोमेन तो सही है। आंसर उसका देखते हैं वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x को नॉट इक्वल टू 2 होना था, और ऑब्वियस सी बात है कि 3 से इन्फिनिटी में 2 तो आ नहीं रहा है, तो इसको लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को डोमेन को कहाँ पे ब्रेक करना रहता है, जहाँ पे बेस इक्वल टू 1 हो रहा है, मतलब x = 2 पे हमको डोमेन को ब्रेक करना रहता। अब देखो डोमेन तो हमारा क्या था, 3 से बड़ा था,
और हमको क्या कहा गया कि x इज इक्वल टू 2 पे तुमको ब्रेक करना है. तो मतलब अब इस साइड तो कुछ डोमेन का पार्ट है ही नहीं, जो भी डोमेन का पार्ट है वो राइट हैंड साइड है. तो यहाँ पे मैं कितने केस लूंगा, एक ही केस लूंगा. सो केस वन या द वन एंड द ओनली केस, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता, लॉग ऑफ 2x माइनस 6 टू द बेस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1. अब देखो x 3 से बड़ा है ना, मतलब ये वाली चीज ऑब्वियसली 1 से बड़ी है, वो केसेस में ब्रेक करने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है कि बेस या तो एंटायरली 1 से बड़ा हो जाएगा या बेस एंटायरली 1 से छोटा रहेगा. तो इसको मैं अब वैसे भेज सकता हूँ इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड एक्सपोनेंट फॉर्म में, और इनइक्वालिटी का साइन क्या रखूंगा, सेम रखूंगा. तो यहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा. अब हमको इसकी भी बात माननी है और इसकी भी बात माननी है, 3, 5, एक बोला 5 तो फाइनल आंसर वुड बी x बिलोंगिंग टू 5 से इनफिनिटी, 5. यही हमारा फाइनल आंसर हो गया. सो आई होप तुम यही पूछ रहे थे जिसका भी डाउट था. यस सर, यही पूछ रहा था. ओके, समझ में आया सबको? सो यस सर, क्या कहते हैं, यस सर, थोड़ा अब तुम लोग फैमिलियराइज हुए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विद वेरिएबल बेस से. यस सर, यस सर. ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप की इनइक्वालिटी, और ये इजी होती है, एक्सपोनेंट. हाँ, एक्सपोनेंट. सर, इस लॉग में ऐसा कुछ नहीं है क्या कि मतलब दो ही लॉग एलिडम का एडिशन है ऐसा सब? क्या हुआ, दो एलिडम का एडिशन है ऐसा कुछ नहीं है क्या? वो भी कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ ज्यादा है नहीं. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दूं, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 इज ग्रेटर देन, इधर भी बेस मतलब लीनियर हो तो. हाँ, yes, sir. Base अगर linear हो, linear हो, हाँ, वो भी अगर जैसे मान लो जैसे मान लो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे से x प्लस x+1 टू द बेस x हो गया, और यहाँ बेस अलग होगा तो कुछ नहीं कर सकते ना? नहीं, बेस अलग होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा हमारा. ओके सर, सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लॉग के बेस एक कर दें, चेंज ऑफ बेस से कभी कभार कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज. उसके अलावा नहीं सर, हर केस में नहीं होगा ना? नहीं, हर केस में नहीं होगा. तुम लोग को वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे इन जनरल जिसमें मतलब व्हाट डू वी से कि बेस सेम हो. हाँ, तो जैसे पहला काम, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, तो पहला काम तुम क्या करोगे ना कि इस क्वेश्चन का डोमेन निकालोगे. ठीक है, तो डोमेन निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का. देखो हर लॉग के बारे में चिंता करनी है तुमको. ये कहेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये कहेगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और बेस तो हर जगह सेम है, तो बेस क्या कहेगा, x ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1. तो इससे तुम्हारा कुछ ना कुछ डोमेन आ जाता कि नहीं. फिर डोमेन निकालने के बाद अब हम लोग जो है
लॉक के प्रॉपर्टीज लगा दिए, जैसे तुम ऐसे देख सकते हो कि लॉग ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और जब तुम इसको इधर ले आते तो माइनस लॉग ऑफ थ्री टू द बेस x हो रहा होता, मतलब अपॉन थ्री, समझ में आ रहा है, टू द बेस x इज ग्रेटर देन यस सर। तो अब ये कैसे टाइप का क्वेश्चन बन गया, ये वैसे ही टाइप का क्वेश्चन बन गया जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। तो अभी डोमेन ने सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे? नहीं बेटा, अभी डोमेन डोमेन को तो ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बेस जो है वो क्या है तुम्हारा, वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो जैसे तुम्हारा फिर तभी एक ही केस बन रहा है। हाँ, केस तो दो ही, अच्छा एक ही बन रहा है, एक बार ग्रेटर देन वन, एक बार ग्रेटर देन माइनस वन, ग्रेटर देन जीरो। हाँ, तो ग्रेटर देन वन डोमेन बन जाता, एक ही केस बन रहा। जैसे जो डोमेन बनता वो एक्स ग्रेटर देन वन बन जाता। तो अब तुम यहीं से देख सकते हो कि डोमेन जो है एक्स ग्रेटर देन वन है, मतलब बेस जो है क्योंकि वो एक्स है तो वो ग्रेटर देन वन है, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं कॉन्फिडेंटली इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड भेज सकता था, और इनइक्वालिटी का साइन क्या रखता, सेम। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन थ्री, बस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेना और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना। आया समझ में सर? यस सर। सर इसका केस वन से इंफिनिटी आएगा ना? हाँ, एक ही केस आएगा, वो वन से इंफिनिटी आएगा। वही लिखा ना, एक्स ग्रेटर देन वन मतलब क्या होता है, वन से इंफिनिटी। हाँ सर, ठीक है। तो बाकी सारे जो क्वेश्चन होंगे ना वो बस एप्लीकेशन ही होंगे, इन ये सब जो हम लोग ने पढ़ा उसके एप्लीकेशन टाइप का ही होगा। तो तुमको डोमेन निकालना होगा, और एक बात ध्यान रखना, डोमेन निकालते समय तुम जो है एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी मत करना, मतलब हर टर्म के डोमेन के बारे में तुमको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले लॉग का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर दिया उसके बाद डोमेन निकाला, ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग डोमेन we don't have to apply any formula of log. पहले डोमेन निकालो ईमानदारी से हर एक टर्म का, और उससे जो फाइनल डोमेन आएगा। हाँ सर, ये बताया था आपने पिछले लेक्चर में। हाँ, फाइनल डोमेन निकालने के बाद फिर उसके बाद जो है फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला वगैरह लगाओ, ठीक है। ओके, now let's move to exponential inequality. अच्छा, exponential inequality relatively easy होता है as compared to logarithmic. I think हम लोग का शायद inequality का ये last topic है। हम लोग ये सब कर चुके हैं कि नहीं? Polynomial inequality कर चुके हैं? हाँ। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, हाँ वही पॉलीनोमियल में क्वाड्रेटिक आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इरेशनल इनइक्वालिटी, इरेशनल कर लिया, लॉगरिथमिक लॉग कर लिया, मॉडुलस कर लिया, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल अभी करने जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिगर स्टार्ट करेंगे। ओके सर, इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? ट्रिगो ट्रिग्नोमेट्री। अब थोड़ा हम लोग को तेज चलना पड़ेगा, धीरे चल रहा है अपने। समझ में आ रहे हैं तुम लोग को? यस सर, समझ। यस सर, यस सर। इसको जितना सेल मांगे इसको जितना से मैथ चलते थे, केमिस्ट्री तो कर फिर से। चलो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में देखो, थोड़ी मुकर सर, मैथ्स सर कोई तो बोल रहा है भैया, आवाज बंद करो। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में
देखो सबसे पहले तो एक्सपोनेंट वाले टर्म कौन से होते हैं, एक्सपोनेंट वाले जो टर्म होते हैं ना वो a रेस टू x वाले टर्म होते हैं, मतलब कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंट वाले टर्म, मतलब से 2 रेस टू x, 5 रेस टू sin x, ठीक है, e रेस टू x, इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंट वाले टर्म, बेस कांस्टेंट है और पावर जो है वो क्या है वेरिएबल है, उसको हम लोग एक्सपोनेंट वाले टर्म कहते हैं। तो a रेस टू x में क्या होता है कि हमेशा बेस जो होता है a, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है, हमेशा बेस जो होता है वो क्या होता है हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और पावर जो होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब माइनस नेगेटिव भी होता है ना, बेस नेगेटिव तब हो, देखो बेस हम लोग नेगेटिव तब ले सकते हैं जब पावर एक इंटीजर हो, तब हम लोग बेस को नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन जब पावर को मैंने इंटीजर केवल नहीं बोला, कोई भी रियल नंबर बोल दिया, रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी होते हैं एंड इरैशनल नंबर्स, तो क्या होता है कि जैसे अगर तुम नेगेटिव बेस रखो और पावर कुछ इरैशनल डाल दो तो तुम उसका साइन डिटरमाइन कर सकते हो क्या, जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे -2√3 बताओ भाई इसका साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, नहीं बोल सकते, तो ऐसे टर्म्स क्या होते हैं हमारे डिफाइंड ही नहीं होते हैं, ऐसे टर्म्स क्या होते हैं डिफाइंड ही नहीं होते हैं। तो अच्छा बताओ कोई नंबर लाइन है तो उसमें काफी एम्पल अमाउंट ऑफ इरेशनल टर्म्स होते हैं, तो अगर तुम जैसे एक्स को वेरी कराते जाते, मतलब तुम ऐसे सोचो कि माइनस के पावर में जब इंटीजर होता तभी वो चीज डिफाइंड हो रही होती, बाकी हर समय क्या हो रहा होता, नॉट डिफाइंड हो रहा होता। तो मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट लोग ने क्या किया कि उन्होंने एक रूल बना दिया कि जब मैं a रेस टू x की बात करूंगा जहां पे x कोई भी रियल नंबर हो तो वहां पे मैं बेस को पॉजिटिव नंबर लेके चलूंगा, वहां पे अपने बेस को क्या लेके चलेंगे पॉजिटिव नंबर, ताकि कोई भी एम्बिग्विटी ना हो, मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि किसी x के लिए a रेस टू x डिफाइंड हो और दूसरे x के लिए a रेस टू x डिफाइंड ना हो, ठीक है, ओके। So exponential inequality is something like logarithmic inequality only. तो उसमें जैसे मान लो अगर कहीं ऐसा लिखा है a raise to x1 is greater than a raise to x2, ये एक inequality है, तो अगर base 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा है तो जो एक्सपोनेंट्स के बीच में साइन है सेम उनके पावर्स के बीच में भी साइन होगा x1 greater than x2, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो बेस तो जो साइन जो है एक्सपोनेंट्स के बीच में है उनके पावर्स के बीच में रिवर्स साइन होगा, लेकिन शर्त क्या है, ये जो एक्सपोनेंट्स का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। सर कैन यू सर कैन यू रिपीट व्हाट डिड यू से, देखो a रेस टू, जैसे मान लो ऐसे टाइप की कोई इनइक्वालिटी है a रेस टू x1 इज ग्रेटर देन a रेस टू x2, बेस सेम है, अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, इफ द बेस इज ग्रेटर देन 1 तो जो एक्सपोनेंट्स के बीच में इनइक्वालिटी का साइन है जैसे ये वाला, सेम इनइक्वालिटी का साइन उनके पावर्स के बीच में भी होगा x1 greater than x2,
और अगर बेस हमारा वन से छोटा है, जीरो से वन के बीच में है, तो जो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बीच का साइन है रिवर्स साइन उसके पावर्स के बीच का होगा। ओके सर, थैंक यू। पावर्स से खेलेंगे ना मतलब? हाँ हाँ, इसमें 12 पावर्स का ध्यान रखना है। तो जैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मान लो 2 raised to एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज ग्रेटर देन 1/16, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि दोनों जगह बेस 2 हो जाए, तो 16 को क्या लिख लूंगा, 2 raised to -4। ठीक है, अब देखो दोनों जगह बेस सेम है और बेस 1 से बड़े, तो पावर्स के बीच में जो इनइक्वालिटी रहेगी वो सेम साइन की रहेगी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी, इनफिनिटी से 1 कॉमा सॉरी यूनियन 4 से इनफिनिटी। ठीक है, माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इनफिनिटी, और यही हमारा आंसर हो जाता है। आवाज बहुत कम सुनाई दे रहा है। यस सर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इनफिनिटी। सर इसमें बेस वेरिएबल रहेगा? बेस वेरिएबल होता है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस में होता है, उसको भी देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर, समझ गया। यस सर। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो जल्दी से। क्वेश्चन इज 3 to the power चलो सॉल्व। Done. तो अपने क्या करते हैं, अपने जो है -81 को 3 raised to -4 लिख लिया। अब देखो बेस दोनों क्या है, 1 से बड़े हैं और सेम है, इसका मतलब x-1 upon x-2 is less than equal to minus 4. इस x minus 2 को cross multiply कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम लोग cross multiply नहीं कर सकते। उस 4 को हम left hand side लेके जाएंगे। Plus 4.
एलसीएम वगैरह ले लो x माइनस टू फोर एक्स प्लस एक्स फाइव एक्स माइनस नाइन इज लेस देन इक्वल टू जीरो जीरो देखो जो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा वो नाइन बाय फाइव और टू बनेगा फिर मतलब ये पता ही है तुम लोग को लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव की बात की जा रही है तो नेगेटिव मतलब नाइन बाय फाइव टू कॉमा टू कॉमा टू सर नाइन बाय फाइव पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और टू पे हम लोग ओपन ब्रैकेट क्योंकि टू डिनोमिनेटर को जीरो कर जीरो बना सकता which is not acceptable ठीक है so this is our final answer yes sir okay एक question और सर ये प्लस माइनस प्लस हमेशा होता है हाँ मतलब alternate signs चलते जाते हैं तो तुम क्या पर माइनस प्लस माइनस नहीं होता ना कभी जब दो critical point होंगे देखो जब जैसे मान लो यहाँ पे कॉपी यहाँ पे जैसे ऐसे हो जाए फोर माइनस एक्स ऐसे टाइप का तब फिर माइनस प्लस माइनस आने लगेगा तो तुम द बेस्ट थिंग इज जैसे टू से बड़ी कोई एक एक्स की वैल्यू पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में हाँ वही सर थ्री पुट क्वाड्रेटिक में पर हमेशा प्लस माइनस प्लस होगा हाँ बाकी केस में चेक कर सकते सर हाँ नहीं सर कुछ नहीं सर तो साइन चेंज कर देंगे एक्स का सर ये वाला अगर बहुत सारे हो गए मतलब इंटरवल बहुत मतलब तीन चार इंटरवल हो गए तो भी होगा प्लस माइनस प्लस हाँ हाँ सारे टर्म्स अगर लीनियर है इफ ऑल द टर्म्स आर लीनियर तो होगा ठीक है अब जैसे एक क्वेश्चन लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन 4 raised to x plus 1 minus 16 raised to x is less than 2 into log of 8 to the base 4. सर वो 2 का पावर है या 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू है 2 इनटू सर सिंपलीफाई तो नहीं करना है इसको क्या हुआ सिंपलीफाई नहीं करना है ना क्वेश्चन को करना है करना है अच्छा इसमें कर सकते हैं इसमें log of 8 टू द बेस 4 को तुम सिंपलीफाई कर सकते हो एक नंबर आएगा नहीं नहीं मतलब आपने कहा ना कि क्वेश्चंस जो मैं जो इक्वेशन दिया उसको सिंपलीफाई मत करो हां नहीं सॉरी वो ओके 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 लॉगरिथमिक लेट का ओके 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 डोमेन निकालते समय वो भी करो Thank you.
सर सिंपलीफाई होने के बाद पावर्स को सिंपली सॉल्व करना है क्या जैसे बेस में वैसे सर आंसर लॉग में आ रहा है ओके तो देखो सबसे पहले ये बताओ कि 4 रेस 2x और 16 रेस 2x इसमें कुछ रिलेशन हो सकता है क्या हाँ सर 4 रेस टू 2x मतलब एक अगर t है तो दूसरा क्या है t स्क्वायर पहले बस यही देखना था हमारे को तो इसको हम लोग ने 4 इनटू 4 रेस 2x लिख लिया माइनस 16 रेस 2x और 8 को 2 का होल क्यूब लिख लिया और 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख लिया अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी से इस 2 और इस 3 को इधर लेके आ सकते हैं तो देखो ये 2 into 3 by 2 log of 2 to the base 2 मतलब 1 और 4 raised to x को t मान लिया तो ये क्या बन गया 4t minus t square so question ऐसे type में convert हो गया 4t minus t square is less than 3 t square minus 4t plus 3 is greater than 0 sir हाँ पर 4 raise to x plus 1 है ना हाँ तो 4 raise to x plus 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 4 raise to 1 into 4 raise to x exponents की जो property होती है ना जैसे मान लो a raise to b plus c है I can write a raise to b into a raise to c समझे आया समझ में यस सर ओके अब देखो इसके रूट्स क्या है 1 और 3 है अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है अवे फ्रॉम द रूट्स होता है पता है सबको मतलब t ग्रेटर देन 3 और t लेस देन 1 अब t क्या है t है हमारा 4 रेस टू x मतलब 4 रेस टू x इज ग्रेटर देन 3 और 4 रेस टू x is less than 1 अच्छा 1 को मैं 4 raise to 0 लिख दिया
अब इसके बीच में तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन ला सकते हैं कि x इज लेस देन जीरो, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा इसके लिए क्या करें, अब मैं इस 3 को 4 के उसमें तो कन्वर्ट नहीं कर सकता था 4 के बेस में, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, दोनों साइड लॉग ले लेना चाहिए, कौन से बेस का, इस वाले फोर बेस का, फोर बेस का, अब देखो क्योंकि मैंने एक ऐसे बेस का लॉग लिया जो वन से बड़ा है, तो जो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ था सेम इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे भी होगा, सो आई विल गेट x इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4, मतलब 1 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4, तो इनके बीच में और लगा हुआ है, मतलब इनका जो है क्या होगा, यूनियन, सो द आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4 से लेके इंफिनिटी, समझ में आया सबको? यस सर। सर वो 4t माइनस टी स्क्वायर इज स्मॉलर देन 3, वो उधर से नहीं समझा, उसके बाद मैं सबको इधर लेके चला गया। हाँ सर, उसके बाद मतलब वो आपने मतलब और आया उधर तक समझा, t इज ग्रेटर देन 3 और t इज, अब t ही तो 4 रेस टू x था, तो t की जगह 4 रेस टू x लिख लिया। हाँ सर, मतलब 4 रेस टू x इज ग्रेटर देन 3 या 4 रेस टू x इज लेस देन 1, और 1 को हम लोग ने 4 रेस टू 0 लिख लिया, तो यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर्स के बीच में भी सेम इनइक्वालिटी हो जाएगी, एक्स लेस देन जीरो। अब इसको देखो, यहाँ पे बेस सेम बनाए भी नहीं जा सकते, तो हम लोग को यहाँ पे एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, कौन से बेस का, इस वाले बेस का, फोर वाले बेस का, तो लॉग ऑफ 4 टू द बेस एक्स टू द बेस 4, और इधर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। अब क्योंकि मैंने एक ऐसे बेस का लॉग लिया जो कि 1 से बड़ा वाला बेस है, तो जो इनइक्वालिटी का साइन इनके बीच में था सेम साइन इधर भी होगा। यस सर। अब x इधर आ गया, तो x इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4, तो अब इन दोनों का यूनियन जो है वो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे और लगा है, तो एक तो इससे आ गया माइनस इनफिनिटी से 0 क्योंकि x लेस देन 0 था, और यहाँ पे x ग्रेटर देन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4, मतलब यूनियन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4 से इनफिनिटी। समझा सर, थैंक यू सर। सो आई होप सर वो लॉग 2 इनटू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि log of 8 to the power, हाँ, log 2? of 64, log of 64 to the base 4, हाँ, हाँ, और वो 3 हो जाता, मतलब 64 को जो है तुम 4 raised to 3 लिख सकते थे, इसी method से किया था सर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा थोड़ा कि एक ही तरीके से question solve होगा, अलग अलग तरीके से question solve हो सकता, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक शीट दूंगा जिसमें अराउंड 14 टू 15 क्वेश्चन होंगे फॉर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कर लेना। सर इतना ही था? इसमें केस टेस्ट वाला नहीं है? इसमें है एक, वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, केसेस वाला छोटा सा है, एक दो क्वेश्चन है, तो उसके बाद हमारा इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी जो शीट दे रहा हूँ उसमें कांस्टेंट बेस ही है फिलहाल, तो जो शीट दे रहा हूँ, ओके। सो इनइक्वालिटी खत्म हुआ, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। सबने मॉड को सिखाया, दो तीन क्वेश्चन करके ना, क्या कह रहे हो सर? दो तीन क्वेश्चन करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ना। हाँ हाँ,
वही वो कुछ दो तीन क्वेश्चन करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना। और भी कोई कुछ बोल रहा था क्या सर? ने मॉड कब सिखाया? मॉड्यूलस नहीं सिखाया क्या मैंने? नहीं सिखाया सर, सिखाया सर, बहुत दिमाग है। तुमने अटेंड नहीं की होगी सर क्लास? अभी की सर क्लास देखो उसी में कहीं ना कहीं होगी सर। नॉर्मल क्लासेस से थे, रेगुलर क्लासेस। हाँ रेगुलर क्लासेस में ही सिखाई होगी। हाँ सर ये सिखाया है। देखो मॉड देखो ये तुम लोग का बना हुआ है, 11th थाने पनवेल वाले का, इसमें ये सिखाया है सर। डेट बता दो उसको, यूट्यूब से देख ले। हाँ सर डेट है 29th जून। ओके सर ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अच्छा मैंने एक वैसा लेक्चर मतलब क्रैश कोर्स टाइप का लेक्चर बनाया है थोड़ा, जिसमें 5 लेक्चर में मतलब हर एक लेक्चर है अराउंड 1.5 आवर्स का, और उसमें अराउंड 5 to 6 लेक्चर है उसमें पूरा मॉड्यूलस और लॉगरिदम और सारी इनइक्वालिटी कंप्लीट की है। तो इफ़ यू वांट तो मैं तुम लोग के ग्रुप पे उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ सर कर दो, इससे तुम लोग गो थ्रू कर लेना तो yes, sir, कर रिवाइज yes. हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है सर ओके। सर हर चैप्टर के बना है? अभी तो इसी का बना हुआ है। ठीक है आपका चैनल है का खुद का? नहीं 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 एक्चुअली मैं जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं ना उनको हाँ। मैं ये सब रिवाइज करा रहा था तो वो रिकॉर्डेड है तो वही तुम लोग को दे दूंगा। और क्या ओके सर ठीक है चलो सर। सर आपने वो होमवर्क दिया था ना उसका डिस्कशन कब होगा? उसका डिस्कशन तुम लोग का जिस दिन डाउट लेक्चर होता है ना। हाँ सर जीएसएम सर का उस दिन कर लेना। हाँ हाँ ठीक है सर। अभी थोड़ा मेरे को कोर्स थोड़ा तेज करना होगा क्योंकि अपने स्लो है और मे भी हो सकता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाऊं तो माइट भी शायद कल लग जाए तुम लोग के एक्स्ट्रा क्लासेस फिगो की। ओके सर ठीक है तो पहले से इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। फिगो की मतलब पहले वही करोगे ना जो दो तीन बाकी है? हाँ एक्चुअली तुम ये समझो कंबाइंड क्लास होगी तुम्हारी और सीबोर्ड्स वालों की, सीबोर्ड्स फार्गर वालों की। वो हमारे पीछे की आगे है? नहीं उनका क्या है कि जैसे इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग दोनों ने साथ में किया था। इसके बाद आज क्लास हुई, आज भी वैसे ही चले मतलब जहाँ तक तुम लोग को आज कराया वहां तक उनको भी आज कराया था। फिर उनको जो है क्या कहते हैं अब कल जो है वही वेरिएबल बेस वाला कराऊंगा और ट्री को दोनों का साथ में स्टार्ट करा दूंगा। ओके और फिर उनका जो एक आध क्लास पीछे वो उनके रेगुलर लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर चलो बाय सर। बाय सर थैंक यू सर। बाय सर बाय सर थैंक यू बाय।